हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। और आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, चलिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो क्या कहती है थ्योरी? एस वी न्यू दैट अ डेटा फ्रेम कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी रोज वेयर ईच रो कैन हैव वैल्यूज फॉर वेरियस कॉलम्स लाइक एट्रीब्यूट्स। इफ ए वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू अ कॉलम इज नॉट प्रेजेंट, इट इज कंसिडर्ड टू बी मिसिंग वैल्यू। अ मिसिंग वैल्यू इज डिनोटेड बाय एन ए एन। यानी कि हिंदी में कहा जाए कि यदि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है और उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? मिसिंग वैल्यू। और उसको किससे डिनोट किया जाता है? एन ए एन, यानी कि नॉट अ नंबर। ठीक है, यानी कि वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से डेटा होते हैं जिसमें हमें कुछ वैल्यूज नहीं पता होती है, ये वो खाली जगह रहती है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं हमारे डेटा फ्रेम में? एन ए एन से। ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड डेटा सेट इट इज कॉमन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव सम मिसिंग एट्रीब्यूट्स। There may be several reasons for that. In some cases, data was not collected properly, resulting in missing data. Example, pupil did not fill all these fields while taking the survey. Sometimes, some attributes are not revealed to all. For example, if a person is unemployed, then salary attribute will be irrelevant and hence may be have been filled up. ठीक है, तो सीधी बात है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि खाली जगह हम कई बार गलतियों से छोड़ देते हैं, कई बार वैल्यू ही नहीं पता रहती। सपोज किसी का मोबाइल नंबर ही नहीं है तो हम मोबाइल नंबर वाला कॉलम है उसके लिए कुछ भी नहीं डालेंगे, या कोई जॉब नहीं करता है तो उसके एम्प्लॉयमेंट वाली फील्ड में हम क्या कर सकते हैं? ब्लैंक डाल देंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस जगह को जहाँ पे हम खाली छोड़ देते हैं उसे क्या कहा जाता है? मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज से क्या होता है, हम जब कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो उन्हीं चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटेजी आती है। पहली चीज क्या होती है, ड्रॉप द ऑब्जेक्ट हैविंग मिसिंग वैल्यूज, मतलब जिसमें भी मिसिंग वैल्यूज आ रही उनको क्या करो, हटाई दो। ठीक है, और दूसरा किस केस में हम हैंडल कर सकते हैं, फिल और एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू, या फिर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जो भी खाली जगह उनको क्या कर सकते हैं, हम खुद से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और आगे का केस हम उससे यूज करेंगे। ठीक है, हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया रखा था उसी को हम क्या करेंगे, एन ए एन वैल्यू को यूज करेंगे और हम उसमें चेंजेस लेंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडी दी हुई है, सो हम ये वाली केस स्टडी नहीं यूज करने वाले हैं। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, चेकिंग द मिसिंग वैल्यू। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे डेटा सेट में या जो डेटा फ्रेम है उसमें मिसिंग वैल्यू है भी या नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में और हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें चेक करना कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें मिसिंग वैल्यूज है भी या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसमें मैंने कुछ एन ए एन यानी कि ब्लैंक वैल्यूज डाल दी है। ठीक है, ये हमारा जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे उसी में मैंने क्या किया है, एन ए एन वैल्यू डाल दी है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी देख लें, एक ये सिंपल सा डेटा फ्रेम है जिसमें क्या है, कुछ वैल्यूज कैसी हैं, खाली है, यानी कि np.nan यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्टेड नहीं है। यदि हम इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का कुछ डेटा फ्रेम आता है जिसमें ये यहाँ पे nan क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, nan हमें क्या बताता है कि इस प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारे पास सबसे पहला काम। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या हमारे डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या लिखते हैं हमारे स्टेटमेंट में, हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखते हैं df.isNull, is null null। ठीक है, और इस null से हम क्या करेंगे, is null मतलब होता है खाली। ठीक है, is मतलब है, क्या खाली है, तो वो क्या बताएगा, देखो रन करते हैं, क्या कहेगा ये, ट्रू और फॉल्स में हमको आंसर देगा। ठीक है, हाँ या नहीं, तो जितनी जगह भी फॉल्स है इसका मतलब क्या है, वैल्यूज नल नहीं है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है। और यहाँ पे देखो, यहाँ एन ए एन था तो इसकी जगह क्या आ रहा है, ट्रू, यानी कि इस कॉलम में ये वाली जगह पे कुछ नहीं है, इस कॉलम में ये वाली जगह पे कुछ नहीं है, और इस कॉलम में ये लास्ट वाली वैल्यू में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे जो डेटा फ्रेम है उसमें कोई ना कोई जगह है जो खाली पड़ी हुई। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस कि हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से, अब हमें चेक करना है कि कितनी जगह खाली है। ठीक है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट, फिर हम लिखेंगे df डॉट
एनी, क्या लिखेंगे डी एफ डॉट एनी। अब क्या करेंगे, सॉरी इज नल, डी एफ डॉट इज नल और फिर हम लिखेंगे डॉट एनी। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अब क्या समझ में आ रहा है, अब ये हमें समझ में आया है कि कॉलम वाइज हम पता कर सकते हैं क्या आइटम में कोई है क्या खाली वैल्यू, नहीं है तो इसने क्या दिया फॉल्स, तो आइटम वाले कॉलम में एक भी खाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह कलर्स वाले में, हाँ कलर्स वाले में एक खाली है, इसी तरह यूनिट वाले में एक खाली है, हाँ और प्राइस वाले में भी एक खाली है। तो इस तरीके से हम कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हैं कि हमारे कॉलम में कितनी जगह खाली है। ठीक है, यानी कि कितनी जगह पे वैल्यूज नहीं है, तो आइटम वाले में एक जगह खाली नहीं है, कलर्स वाले में एक मिसिंग वैल्यू है, प्राइस वाले में एक मिसिंग वैल्यू है और यूनिट वाले में एक मिसिंग वैल्यू है। अब नंबर में चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डॉट एस यू एम सम। ठीक है, यदि हम डॉट सम लिखते हैं तो क्या होता है, हमें बता देता है कि टोटल कितनी जगह हमारे पास खाली है हमारे पूरे डेटा फ्रेम में। तो क्या लिखा, 1 2 3, यानी कि यदि हमारा पूरा डेटा फ्रेम है उनके यदि सबके कॉलम्स यदि हम चेक करें तो कितनी जगह खाली है टोटल, हमारे पास टोटल 3 जगह ऐसी है जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक काम। तो इतना तो हमने कर लिया, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि मिसिंग वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या था, हमने किसका यूज किया, इज नल का। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ट्रू फॉल्स में। ठीक है, अब हमने क्या किया था, उसके बाद हमें पता करना था, हमें पर्टिकुलर कॉलम में भी देखना था, तो हमने पर्टिकुलर कॉलम में करके भी देख लिया था। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में यदि हम इज नल लिख देते हैं डायरेक्टली तो भी हमें पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, डेटा फ्रेम पूरा इकट्ठा भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर कॉलम लिख के भी हम इज नल लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज हमने देखी। इसके बाद इज एनी लगाया, क्या किया, इज नल एनी। ठीक है, तो हमने किस तरीके से पता किया था कि किसी भी कॉलम में क्या है खाली जगह, तो हम इज नल एनी लिख देते तो हमें पता चल जाता है कि उस कॉलम में एक ना एक वैल्यू मिसिंग है या नहीं है। कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी तो उसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और यदि वो सारे के सारे कॉलम फिल्ड होंगे तो उनका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, इसके बाद हमने किया था सम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सम कैसे यूज करते हैं, कि हमें पता करना है कि पर्टिकुलर जो हमारा कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज कैसी है ब्लैंक है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, डी एफ डॉट इज नल डॉट सम, क्या लिखेंगे हम, डी एफ डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे, डी एफ डॉट इज नल डॉट सम। ठीक है, ये भी इज नल भी है फंक्शन और ये, यदि हम इसको रन करते हैं तो अब कितना समझ में आया, आइटम्स का आइटम वाले कॉलम में कोई वैल्यू खाली है नहीं है, तो ये क्या आ रहा है फॉल्स। ठीक है, सारे के सारे फॉल्स थे, मतलब एक भी खाली नहीं, इसलिए यहाँ पे जीरो काउंट दे रहा है। कलर्स वाले में कितनी वैल्यू ब्लैंक है, एक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है एक। इसी तरह प्राइस में कितनी वैल्यू ब्लैंक है, एक ही है, और यूनिट वाले स्टॉक में भी एक ही, तो ये क्या दे देता है काउंट दे देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा काउंट दे देगा, यदि हम डी एफ डॉट इज नल सिंपल चलाते थे तो ट्रू फॉल्स में आती थी वैल्यू, और सम कर देते हैं, यदि डॉट सम लिख देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि किस कॉलम में कितनी वैल्यूज मिसिंग है। तो सब में एक एक वैल्यू मिसिंग थी पहले वाले कॉलम को छोड़ के, इसलिए यहाँ पे जीरो है, बाकी सब में कितना है 111 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये, और टोटल पता करना है तो हम क्या लिखते हैं, एक बार और क्या लिख देते हैं डॉट सम, तो ये जो है सारी उनका टोटल करके बता देता है कि पूरे डेटा फ्रेम में कितनी टोटल वैल्यूज हैं जो खाली हैं। तो हमने क्या बोला 3, तो उसने उसका भी टोटल कर दिया जो बाकी 3 थी, कि टोटल कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं 3, पूरे पूरे डेटा फ्रेम में 3 जगह ऐसी है जहाँ पे डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं टोटल्स भी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आता है कि अब हमें कुछ करना है, कि हमारे पास नल वैल्यू तो हमें पता चल गया कि इसी जगह पे क्या है नल वैल्यूज, अब हमें क्या करना है कि सपोज हमें हटाना है उन वैल्यूज, क्योंकि जहां जहां पे भी खाली जगह है वो, यदि वो खाली जगह है तो वो डेटा हमारे काम का नहीं है, अब उनको क्या करना है हटाना है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, डी एफ डॉट ड्रॉप ना, क्या लिखेंगे हम, डी एफ डॉट डी आर ओ पी ड्रॉप एन ए फंक्शन। ठीक है, ड्रॉप ना फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, जितनी वैल्यू जो मिसिंग थी, जहां पे वैल्यू मिसिंग थी उन सबको क्या कर दिया हटा दिया, यानी कि हमारे पास 0, 1 और 4th वाली आए। ठीक है, तो 0 पे कोई वैल्यू मिसिंग थी क्या, नहीं थी। ठीक है, 1 में सब फॉल्स थे, 2 में
टू में एक भी वैल्यू मिसिंग थी, इसलिए उसने पूरे का पूरा रो क्या कर दिया, हटा दिया। इसलिए इसके बाद वाला थर्ड में भी एक वैल्यू मिसिंग थी, थर्ड को भी हटा दिया। फोर्थ में कोई मिसिंग है क्या? सारे फॉल्स हैं, तो फोर्थ को क्या किया उसने, ले लिया। और लास्ट वाला जो है उसमें एक वैल्यू मिसिंग थी, इसलिए उसको हटा दिया। तो ये क्या हुआ? ड्रॉप ना। ड्रॉप ना फंक्शन क्या करता है? जिस भी रो में एक भी वैल्यू मिसिंग होगी उसको क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम किसी भी मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हमें हैंडल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से मिसिंग वैल्यू को हटा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया? कॉलिंग द ड्रॉप ना फंक्शन। ठीक है, थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है। सो ड्रॉप ना फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो डेटा है इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है ये। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे कौन सा हमारे करना है? एस्टिमेटिंग मिसिंग वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हम क्या करें, एस्टिमेटेड वैल्यू डाल दें जहां पे भी खाली जगह है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? फिलना। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे? फिलना। कि अब हम हटाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जहां पे भी खाली जगह है वहां पे कुछ वैल्यूज इंसर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप ना की जगह हम लिख देंगे फिलना। क्या लिखेंगे? एफ आई डल फिलना। एन मतलब फिलना, मतलब होगा कि हमें कौन सी वैल्यू उस मिसिंग वैल्यूज की जगह पे लानी है। यानी कि यदि मैं लिखूंगा यहाँ पे 5000 लिख दिया, और यदि मैं इसको रन करता हूँ तो जितनी भी वैल्यू जो जो मिसिंग थी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे खाली जगह थी, यहाँ पे 5000 है, ये भी खाली जगह थी, ये भी 5000 है, यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज है। तो हम फिलना से क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें हम एक डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं कि जितनी भी जगह खाली होगी उसकी जगह पे क्या आना चाहिए। तो हमारी जो जो वैल्यू मिसिंग थी उस प्लेस पे क्या आ गया? 5000 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो क्या दे सकते हैं? जीरो दे सकते हैं। हम क्या करते हैं? जीरो दे दी बाय डिफॉल्ट, जहां पे वैल्यू ना हो वहां पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा फ्रेम है, जो मिसिंग वैल्यूज हैं डेटा फ्रेम में, उनको हैंडल करते हैं। तो ये था हमारा हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। होप इसमें तो सब कुछ सेम ही है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन पांडास एंड MySQL। ठीक है, पांडास और MySQL से किस तरीके से डेटा को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है वह हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।